नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर, तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। CAA लागू होने की खबर के बीच मुजफ्फरनगर पुलिस अलर्ट मोड पर दिखाई दी और नाकाबंदी करके चेकिंग अभियान चलाया। वहीं ड्रोन के माध्यम से भी अति संवेदनशील इलाकों में पैनी नजर रखी गई। साथ ही आगामी लोकसभा चुनाव त्योहार के मद्देनजर नगर के 9 स्थानों पर CAPF के साथ मिलकर पुलिस ने सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया। वहीं CAA लागू होने के सवाल पर SSP अभिषेक सिंह ने कहा कि सरकार के द्वारा जिस तरह के भी दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे, जनपद की पुलिस पूरी तरह उस पर मुस्तैद है और कानून व्यवस्था में खलल पैदा नहीं होने देंगे। SSP अभिषेक सिंह ने बताया कि आगामी लोकसभा चुनाव 2024 को सकुशल संपन्न कराने और कानून व शांति व्यवस्था की स्थिति सुदृढ़ रखने के लिए जनपद में पर्याप्त स्थानीय पुलिस बल व केंद्रीय सशस्त्र सुरक्षा बल मौजूद है, जिनके द्वारा जनपद में आम जन को सुरक्षा का एहसास कराते हुए लगातार संदिग्ध व्यक्ति वाहनों की चेकिंग की जा रही है। वहीं सोशल मीडिया पर भी किसी भी प्रकार के भड़काऊ, गलत, अशोभनीय पोस्ट न करने, किसी भी भ्रामक पोस्ट की पुष्टि उच्चाधिकारीगणों से करने, साथ ही कोई भी ऐसी गतिविधि जिससे आपसे सौहार्द खराब हो ना करने तथा किसी भी कानून विरोधी गतिविधि का हिस्सा ना बनने की अपील की गई। आज जनपद मुजफ्फरनगर के शहर इलाके में हमने नाकाबंदी का प्लान करके चेकिंग कराई है। यहाँ पर हमारे पास पुलिस लाइन की 2 QRTs, पुलिस ऑफिस से तोड़े गए पुलिस वर्ग की 3 QRTs और 2 CAPF की कंपनी, जिसमें ITBP और CRP की कंपनियां हमारे साथ यहां डिप्लॉयड है। ये पूरी चेकिंग जनसामान्य में इलेक्शंस के दौरान आत्मविश्वास पैदा करने के लिए और किसी प्रकार के भी अवांछित एंटी सोशल एलिमेंट्स के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए है। आगामी त्यौहार सकुशल संपन्न होंगे और पब्लिक को लॉ एंड ऑर्डर में भरोसा रहे, इससे ये सघन चेकिंग अभियान कराया जा रहा है। इस समय जनपद के शहर इलाके में खासकर 9 स्थानों पर CAPF के साथ हमारी ज्वाइंट चेकिंग चल रही है, जिसमें हम एक एक व्यक्ति और एक एक गाड़ी की तलाशी ले रहे हैं। सर, क्या CA को जो चर्चाएं चल रही थी लागू होने की, उसको लेकर भी जैसा भी अनाउंसमेंट होता है या गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन होता है, उसके हिसाब से हमारी तैयारियां पूरी हैं और हम लोग किसी प्रकार से कानून व्यवस्था में कोई खलल पैदा नहीं होने देंगे। कोई संदिग्ध पकड़ा गया सर अब तक? अभी यहां पर फिलहाल कोई संदिग्ध नहीं पकड़ा गया, परंतु कुछ लोग छोटी मोटी बोतलों में डीजल या केरोसिन जैसी चीजें अपने घर के लिए लेके जा रहे थे, उसको भी जब्त कर लिया गया है। वो तभी रिलीज किया जाएगा जब उनके बारे में पूरी तहकीकात कर लेंगे। ऐसे दो लोग बाहर से किस तरह का पुलिस को बुलाया है? बस मैं जनपद वासियों से अपील करना चाहता हूँ कि आगामी त्यौहार को सकुशल मनाए, आपसी सौहार्द बनाए रखें और देश का त्यौहार जो कि चुनाव है उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। उसके लिए हम उनकी सुरक्षा के लिए तैनात हैं। सर, कितनी कंपनियां फिलहाल बाहर से बुलाई गई हैं? सर, अभी यहां पर हमें सेंट्रल पुलिस की तरफ से हमको एक कंपनी ITBP और एक कंपनी CRP मिली हुई है। वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। नमस्कार। हमारे YouTube और Facebook चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।